हेलो फ्रेंड्स, तो ये है इस सीरीज का फोर्थ पार्ट। इसके पहले के पार्ट्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि मो ने हैनली को एक पॉइजन पिला दिया है और इसके एंटीडोट के बदले उसे एक साल में अपने कल्टीवेशन को पूरा करना होगा। यहीं अपनी ट्रेनिंग के दौरान उसे पता चलता है कि वू यन नाम का एक मेंबर वुल्फगैंग से मिला हुआ है और वो तुरंत इसकी इन्फॉर्मेशन फ्यू तक भेजता है। आगे हम सैक की सप्लाई वैगन्स को देखते हैं जो शहर से जरूरी सामान लेकर आ रही थी और वुल्फगैंग के लोग छुपकर उसका वेट कर रहे हैं। तभी वो पेड़ों की मदद से उनका रास्ता रोक लेते हैं और जीबो के इशारा करते ही उसके साथ ही सैक के लोगों पर अटैक करने लगते हैं। इसमें सैक के काफी लोग मारे जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो इस सरप्राइज अटैक से नहीं बच पाएंगे। तभी गैंग का मेंबर एक वैगन को चेक करने जाता है, लेकिन एक किक उसे उछालकर दूर फेंक देती है और पता चलता है कि उसमें सामान की बजाय सैक के सोल्जर्स छुपे हुए हैं जिन्हें हैनली का दोस्त फ्यू लीड कर रहा है। गैंग के मेंबर्स ने भी ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था और जल्दी ही वहाँ बाजी पलट जाती है और गैंग के लोग एक एक करके ढेर होने लगते हैं। फ्यू जिसे ये खबर हैनली ने भेजी थी उनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता और तभी हैनली भी वहाँ उनकी मदद करने आ जाता है। जीबो सेट के लोगों का मुकाबला करने की सोचता है लेकिन देखता है कि उसके ज्यादातर साथियों ने हार मान ली है और वो बचे हुए लोगों को लेकर भाग निकलता है। सेट का मैनेजर एल्मा भी वहाँ पहुँच जाता है और वो बचे हुए गैंग मेंबर्स को अरेस्ट कर लेते हैं। फ्यू हैनली से कहता है कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स तो काफी इम्प्रूव हो गई है और ऐसा ही रहा तो जल्द ही तुम मुझसे भी आगे निकल जाओगे, लेकिन हैनली कहता है कि मैं तो बस एक मेडिकल ऑफिसर हूँ और यहाँ घायलों की मदद करने आया था। तभी एल्मा वहाँ आकर फ्यू की तारीफ करता है कि ये सब तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के कारण हुआ है और जल्दी ही सेट तुम्हें एक अच्छा इनाम देगा। फ्यू उससे वू यन के बारे में पूछता है जिसने गैंग को सप्लाई वैगन्स की इन्फॉर्मेशन दी थी और एल्मा कहता है कि उसे भी उसकी सजा जरूर मिलेगी। आगे का सीन 6 महीने बाद का है जहाँ हैनली अभी भी अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहा है और इसमें वो लेवल 6 तक पहुँच जाता है। इससे उसे कुछ और पावर्स मिलती हैं, जैसे दूर तक देख पाना, ज्यादा पावरफुल अटैक्स और उसकी स्पीड भी एक आम इंसान से कहीं फास्ट हो गई है। जहां हम उसके पास 3 आइटम्स देखते हैं, जिसमें पहली है उसकी ब्लिंकिंग डैगर, दूसरा एक स्मोक बॉम्ब और तीसरा है पॉइजन जो वो मो के खिलाफ लड़ाई में यूज करना चाहता है। फिर वो जंगल में मिली उस ब्लडी बीट को देखता है और कहता है कि अब मो को सबक सिखाने का वक्त आ गया है ताकि मैं उससे जैंग की सच्चाई जान सकूं। आगे वो मास्टर मो से मिलने आता है जो अपने काम से वापस आ गया है और देखता है कि आयरन स्लेव अभी भी उसकी रखवाली कर रहा है। मो कहता है कि तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो और दरवाजे को बंद करने की सोचता है, लेकिन हैनली उसे मना कर देता है और कहता है कि ऐसा करते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मो भी उसकी बात मान जाता है और इससे पहले कि वो हैनली से कुछ पूछ पाए, हैनली उसे खुद ही बता देता है कि मैंने 4th लेवल को पार कर लिया है और अब मुझे उस जहर का एंटीडोट चाहिए। मो ये जानकर एंटीडोट वाली बोतल उसे देता है और हैनली एक ही झटके में उसे पूरी पी जाता है। फिर मो उसे नीचे बैठने को बोलता है और उसकी रिस्ट पकड़कर उसकी स्किल्स को चेक करने लगता है। वो देखता है कि हैनली ने तो वाकई बहुत इम्प्रूवमेंट कर ली है और ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है, लेकिन हैनली उसे अपना हाथ छोड़ने को कहता है। फिर मो का देखकर वो अपनी डैगर निकालता है, लेकिन उसने शायद मो को अंडर एस्टिमेट कर लिया था क्योंकि वो हैनली को खुद पर अटैक नहीं करने देता और उसे उछालकर दूर फेंक देता है। हैनली एक बार फिर कोशिश करता है, लेकिन मो उसे अपने सामने नहीं टिकने देता और कहता है कि लगता है मेरे पीछे तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। हैनली इस बार अपने स्मोक बॉम्ब का यूज करता है और मो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस चीप ट्रिक से तुम मुझे हरा सकते हो, और ये कहकर वो दरवाजे को बंद कर देता है। वो उसे वॉर्न करता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा और तुम चाहो तो मेरे पास वापस आ सकते हो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे डर से छुटकारा दिला सकूं। लेकिन हैनली उसकी एक नहीं सुनता और मो पर सरप्राइज अटैक करने की सोचता है। मो भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार था और अपनी एक ही किक से हैनली को दूर फेंक देता है और कहता है कि मैंने तुमसे भी कहीं ज्यादा टफ फाइटर्स देखे हैं और तुम्हें हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर वो हैनली को बहुत मारता है, लेकिन हैनली भी हार मानने वाला बिल्कुल नहीं था और इसी तरह वो दोनों एक दूसरे की ताकत आजमाने लगते हैं। फिर लड़ते हुए हैनली के ऊपर एक कैबिनेट गिर जाती है और मो कहता है कि लगता है तुम्हारी सारी ट्रिक्स खत्म हो चुकी हैं। तभी अचानक हैनली की आंखें चमकने लगती हैं और वो अपनी सुपर फास्ट स्पीड को एक्टिवेट करता है। मो भी उसकी ऐसी स्किल देखकर चौंक जाता है और ऐसा लगता है जैसे हैनली इस बार उस पर भारी पड़ने वाला है।
लेकिन तभी मॉब ने गोस्ट हैंड्स को समन करता है, जिसका हैनली के पास कोई जवाब नहीं होता। और इससे पहले कि वो फिर से अटैक कर पाए, हैनली तुरंत दरवाजे को खोल देता है। मो अचानक आई रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसका फायदा उठाकर हैनली अपनी डैगर से उसे घायल कर देता है। वो कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, लेकिन मो को ये बात कुछ समझ नहीं आती। और तभी अचानक उसे अंदर से कुछ महसूस होता है और वो समझ जाता है कि हैनली की डैगर पर पॉइजन लगा हुआ था। ये जानकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और हैनली उससे पूछता है कि मैं अपने दोस्त जैंग की सच्चाई जानना चाहता हूँ। इस पर मो कहता है कि लगता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। और फिर उसके इशारा करते ही आयरन स्लेव अपने पंच से हैनली को बेहोश कर देता है। आँख खुलने पर वो खुद को एक बेसमेंट में पाता है और देखता है कि मो एक ब्रीफ केस से कुछ चाकू निकाल रहा है, जो असल में उसकी 7 घोस्ट सोल रिप्लेसमेंट टेक्निक है। हैनली को लगता है कि वो शायद उसे मारने आ रहा है, लेकिन मो कहता है कि मेरे पास उससे भी बढ़िया प्लान है। और फिर अचानक वो उन चाकुओं से खुद को स्टैब करने लगता है। जल्दी ही वो 7 चाकू उसके शरीर में धस जाते हैं और मो उनकी सोल रिप्लेसमेंट पावर को समन करता है। आगे हम देखते हैं कि उसकी सोल के पार्ट्स उन चाकुओं के थ्रू बाहर निकलने लगे हैं और मो उन्हें हैनली की बॉडी में भेज देता है। उसकी सोल जो एक स्नेक के रूप में है, हैनली की सोल को रिप्लेस करने आती है और हैनली इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता। ऐसा लगता है जैसे हैनली का अस्तित्व मिटने वाला है, क्योंकि मो की सोल ने उसे पूरी तरह कवर कर लिया है। लेकिन मो ये नहीं जानता था कि हैनली ने ट्रेनिंग के 6 लेवल को पार कर लिया है और जल्द ही वो इस सोल रिप्लेसमेंट स्पेल से बाहर आ जाता है। आँख खुलने पर वो देखता है कि मो सामने मरा पड़ा है और वो उसे चेक करके इस बात को कंफर्म करता है। तभी अचानक उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है और उसे याद आता है कि मो ने अपने गोस्ट हैंड से उस पर अटैक किया था और ये शायद उसी के पॉइजन का असर है। वो वहाँ उसका एंटीडोट ढूंढने लगता है और इसी चक्कर में उसकी नजर जमीन के नीचे रखे एक बॉक्स पर जाती है। खोलने पर उसे उसमें कुछ चीजें नजर आती हैं, जिसमें एक बॉडी डायग्राम, एक आयरन बेल और एक स्पेल से भरी हुई बुक है, जिसमें इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट करने के तरीके लिखे हुए हैं। वो उन्हें लेकर वहाँ से बाहर निकलने की सोचता है, लेकिन तभी मौका आयरन स्लेव उस पर अटैक कर देता है। हैनली उसे समझाता है कि तुम्हारा मास्टर मर चुका है और अब तुम्हें उसकी गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आयरन स्लेव पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। हैनली उस पर अपनी ताकत आजमाने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि वो उसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तभी हैनली के पास रखी वो आयरन बेल नीचे गिर जाती है और उसकी आवाज सुनते ही आयरन स्लेव फ्रीज हो जाता है। हैनली समझ जाता है कि ये एक सोल समनिंग बेल है, जिससे आयरन स्लेव को कंट्रोल किया जा सकता है और वो इसका फायदा उठाने की सोचता है। वो देखना चाहता है कि आखिर इस मास्क के पीछे किसका चेहरा है, लेकिन यही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।